बायो में बस 86 आया है, साइंस तो मिलेगा नहीं, डॉक्टर कैसे बनूंगी? तेरे कितने आए? पूरे 64 ब्रो। तो वो तुझे साइंस में मिल जाएगा? साइंस? अच्छा, तो कॉमर्स करना है क्या? नहीं, मतलब देख, आर्ट्स में भी आजकल बहुत स्कोप है, वो करना है। कोई बात नहीं यार, सोच लेगी, आ जा। आई थिंक मैं यहाँ पे अगर कोप अप कर लूँ। हाँ, सोच तो लूंगी, आई गेस। दीदी, मैं सोच रही हूँ आर्ट्स लेके साइकोलॉजिस्ट बन जाती हूँ। वैसे भी दोस्तों का रिलेशनशिप ड्रामा तो सॉल्व करती ही रहती हूँ। हाँ, हर बात पे यू कैन डू बेटर, देयर आर लॉट्स ऑफ फिश इन द सी, ऐसे यूनिक एडवाइस तो चाहिए लोगों को। एक्चुअली ना मम्मी, मुझे लगता है मेरे लिए कॉमर्स ही बेस्ट है। वैसे भी जब भी हम बाहर जाते हैं तो सारे हिसाब मुझे ही करने पड़ते हैं। बेटा, उसके लिए भी तू ऐप यूज करती है, तो कॉमर्स में भी कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं ना मम्मी। देख, आई नो यू वांट मी टू टेक साइंस, पर तू बता मैं मैनेज कर पाऊंगी क्या? सी, आई नो आई एम स्मार्ट इनफ, बट मेहनत थोड़ी कम करती हूँ, डोंट यू थिंक? है ना? यू नो व्हाट, चल प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट बनाते हैं, कम। ठीक है, चल। नाइस, बट इससे तो कुछ हेल्प नहीं हुई। वाओ, आई स्कोर्ड 84। यस, 5 सेकंड, लेट मी जस्ट चेक। 84 इज बिलो एवरेज इंटेलिजेंस। कोई बात नहीं, वापस ट्राई करते हैं ना। नहीं अब छोड़ यार, अब ये नहीं करना, अब ये नहीं। सुन सुन सुन, आई हैव अनदर आइडिया, इससे भी अच्छा है। चल 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 चल। ओके, are you sure this will work? Yeah, yeah, it always does. Trust me. अब तू देखना। बेटा, तू ना अपनी दीदी की तरह साइंस ही लेना, बहुत स्कोप है उसमें, और वो तुझे हिंदी तो कर सकती है। तू मेरी तरह साइंस मत ले, हाँ, इट्स टू मेनस्ट्रीम फॉर यू। अरे बेटा, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स तो बच्चे करते हैं, अब तो तू बड़ी हो गई है। 11th 12th पढ़ाई के लिए थोड़ी है ब्रो, इट इज द परफेक्ट टाइम टू एक्सप्लोर योर लव लाइफ। सारे सक्सेसफुल लोग ना ड्रॉप आउट होते हैं, तू ना कॉलेज ही मत जा, सच में। बेटा, तुझे ना पूरी फ्रीडम है, बस आर्ट्स और कॉमर्स मत लेना, बाकी तो तू कोई भी स्ट्रीम चूज कर ले, चलेगा। तू पढ़ाई लिखाई छोड़ ब्रो, तू ना गेमिंग शुरू कर दे, मैं बता रहा हूँ, द फ्यूचर इज इन मेटावर्स। एक्चुअली योर स्ट्रीम डजंट मैटर, आगे जाके सबको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ही होता है। आजकल स्पोर्ट्स बहुत ट्रेंड कर रहा है, नेक्स्ट ओलंपिक्स के लिए प्रिपेयर करेगी क्या? इन्फ्लुएंसर बन जा, ना मार्क्स की जरूरत है और ना दिमाग, डांस करना तो तुझे आता ही होगा। वाओ यार, प्रीबोर्ड में 88%, तेरा तो साइंस पक्का लग रहा है। यार, आई थिंक इस बार ना सबने ही स्कोर किया है। यार, तेरा भी अच्छा ही आया होगा, वो चेक था। हेलो श्रुति, हेलो, क्या हुआ मैडम? लगता है आज यू नीड अ साइकोलॉजिस्ट। अब चुप रहो दीदी, सबको आपकी तरह पहले से नहीं पता होता ना लाइफ में क्या करना है। दैट्स इवन बेटर नो, सारे ऑप्शंस खुले हैं तेरे लिए। बचपन में तू बहुत स्मार्ट और क्रिएटिव थी, भूल गई अपनी स्केचेस? हाँ, पेंटर बन जाती हूँ, थैंक्स। पेंटर नहीं, बट मे बी समथिंग रिलेटेड, समथिंग क्रिएटिव, यू नो, एन आर्किटेक्ट, मे बी एन एनिमेटर, मे बी अ डिजाइनर। यार, मुझे भी रागिनी मैम के नोट्स दे देना, मैं भी पास हो जाऊंगा, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। हाँ, मैं भेजती हूँ। हाय गाइस। हाय। हाय। कुछ डिसाइड किया? हाँ, आई मीन मिल गया तो साइंस वरना कॉमर्स। यू? यार, मैं ना आगे की सोच रही हूँ, मुझे तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग करनी है, तो मुझे तो आर्ट्स भी चलेगा, ये स्ट्रीम वीम से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वाह यार, अगर मुझे इतना क्लियरली पता होता मैंने क्या करना है, मेरी जिंदगी सफल हो जाती। आई स्वेयर। यू नो गाइस, व्हेन यू नो यू जस्ट नो, दैट्स ग्रेट यार। अगर मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट होता तो शायद मैं भी प्रोडक्ट डिजाइनर बन जाती तेरे साथ। मैथ्स? हाँ, आई मीन
प्रोडक्ट डिजाइनिंग में मैथ्स एंड इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स तो होंगे, बट आई एम श्योर यू रिसर्च्ड अबाउट इट. ऑफ कोर्स तुझे क्या लगा मैं मैथ्स से डर जाऊंगी? एग्जैक्टली. कूल ब्रो. गाइस मुझे भी रागिनी मैम के नोट्स दे दो यार.